बड़ी खबर इस वक्त हरदोई से सामने आ रही है। अखिलेश यादव को याद आए जिन्ना, इस वक्त की बड़ी खबर। सरदार पटेल के बहाने किया याद, सरदार पटेल और जिन्ना की विचारधारा एक, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। और सभी महापुरुषों की विचारधारा एक थी, यह अखिलेश यादव ने कहा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है और अखिलेश यादव को जिन्ना याद आए हैं। सरदार पटेल के बहाने जिन्ना को याद किया, सरदार पटेल और जिन्ना की विचारधारा एक है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। सभी महापुरुषों की विचारधारा एक थी, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि हमारे घर पे मंदिर कितने हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें मैंने मंदिर बनाया है जिसमें मुख्यमंत्री जी डेली पूजा करते हैं। जिस मंदिर को हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल यादव इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अनिल, सरदार पटेल के बहाने अखिलेश यादव ने जिन्ना को याद किया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये काफी चौंकाने वाला बयान है कि वो हरदोई में गए थे और वहां पर उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी और नेहरू और जिन्ना की तुलना कर दी, तो निश्चित ही ये बयान अब उनको भारी पड़ने वाला है, क्योंकि रिसेंट में भी उन्होंने एक बयान दिया था जब एटीएस की कार्रवाई लखनऊ में हुई थी, तो उन्होंने कहा था यूपी पुलिस को भरोसा नहीं है, तो उससे पहले उन्होंने कहा था बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो दो बयान उन्हें बहुत भारी पड़े, तो लग रहा है एक बार फिर उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है और निश्चित ही अब विपक्ष इसको हाथों हाथ लेगा और इस बयान के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव विपक्ष। अनिल, हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। तो अनिल, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है, हालांकि यह चुनाव से पहले उनका यह बहुत बड़ा बयान साबित होने वाला है और इसको लेकर विपक्ष उनको घेर भी सकता है, और जैसा कि आपने कहा कि सेल्फ गोल किया अखिलेश यादव। बिल्कुल, देखिए चुनाव का मौसम चल रहा है और एक एक नेता के बयान पर लोग बहुत क्लोज निगाह रखते हैं और अपोजिशन बहुत क्लोज निगाह रखता है कि किसी से किसी नेता से चूक हो जाए तो उसको उस चूक पर कैसे हमला बोला जाए। तो निश्चित ही जिन्ना को लेकर जनमानस का क्या यहाँ पर मनोभाव है, लोग जिन्ना को कैसे देखते हैं भारत में, ये किसी से छिपा नहीं है। जिन्ना को बंटवारे का जिम्मेदार माना जाता है, तो निश्चित ही अब जिन्ना की तारीफ कर दी है, ये भारी पड़ गया है और लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में यूपी की सियासत अखिलेश यादव के इसी बयान पर रहेगी। बिल्कुल, ये सियासत इसी बयान पर रहेगी। और अनिल, अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ी बात अखिलेश यादव ने की है, उन्होंने कहा है कि जिन्ना ने आजादी दिलाई है, तो ये एक बहुत बड़ा बयान है और अटपटा बयान है। बिल्कुल, किसने उनको बताया, कहां से उन्होंने रिसर्च करी, उनकी समाजवादी पार्टी की रिसर्च टीम ने कैसे कौन से उनको फैक्ट दिए, ये अपने आप में बड़ी आश्चर्य की बात है। जिन्ना ने आजादी दिलाई, जिन्ना ने आजादी पाकिस्तान को दिलाई, भारत का बंटवारा किया जिन्ना, भारत की आजादी के लिए जिम्मेदार नहीं, भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार हुए हैं। और निश्चित ही ये बयान काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के किसी नेता के द्वारा जिन्ना की तारीफ करना, ये अपने आप में भारत की एक बड़ी आबादी को पसंद नहीं आएगा और निश्चित ही समाजवादी पार्टी को जरूर इसका नुकसान हो सकता है आने वाले चुनाव में। बिल्कुल अनिल, और आने वाले वक्त में चुनाव भी है जिसको देखकर लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है, और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। तो अनिल, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सरदार पटेल और जिन्ना की विचारधारा एक है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। सभी महापुरुषों की विचारधारा एक थी, और एक सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली बात जो अखिलेश यादव ने की है, उन्होंने कहा है कि जिन्ना ने भारत को आजादी दिलाई थी। आखिर ये कहां से उन्होंने पढ़ा, ये ज्ञान उनको कहां से मिला, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अनिल,
देखिए जिन्ना तो भारत में हेट किए जाते हैं, जिन्ना को लोग पसंद नहीं करते, जिन्ना को जिम्मेदार मानते, बंटवारे का खलनायक है भारतीय इतिहास के वो, और भारत जो कि एक बड़ा राष्ट्र था उसको टुकड़े करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, उन्होंने पाकिस्तान बनाया, तो निश्चित ही जिन्ना की तारीफ भारी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को निश्चित ही अपने इस बयान पर पछतावा होगा, और अगर ये कहें कि नुकसान उठाना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिन्ना का ये मुद्दा जो है जिस तरह से तारीफ करी बीजेपी इसको हाथों हाथ लेगी और पूरा कैंपेन। अनिल आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी, इस वक्त अधिक जानकारी के लिए उनसे हम बात करेंगे। ब्रजलाल जी, एक बहुत बड़ा बयान यहां पर अखिलेश यादव ने दिया है और उन्होंने सरदार पटेल और जिन्ना की विचारधारा एक है ऐसा उन्होंने कहा, और एक और सबसे अटपटी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जिन्ना ने देश को आजादी दिलाई थी। ऐसा है, इनका जो तुष्टीकरण का प्यार है, तुष्टीकरण पर इसकी हद तक पहुंच सकते हैं ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। जिन्ना, वो जिन्ना मुस्लिम लीग का जिन्ना जिसने देश का बंटवारा करवाया, वो जिन्ना जिसने हैदराबाद को साउथ पाकिस्तान बनाना चाहता था, निजाम को कि अलग मुस्लिम देश बने या साउथ पाकिस्तान बने, उस जिन्ना देशद्रोही का, उस जिन्ना का जो एक दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल को ले जा करके उनको बहका करके पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर बनाया था, लॉ एंड लेबर, और 3 साल में जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में, विशेषकर ईस्ट पाकिस्तान में दलितों का, कि वहां के दलित जो थे नमो सूत्रों को भागना पड़ा, लाखों मारे गए, धर्मांतरित हुए, और अखिलेश जी को मालूम होना चाहिए, जरा पीलीभीत चले जाएं, खीरी चले जाएं, बरेली बहेड़ी चले जाएं, रुद्रपुर नैनीताल चले जाएं, वो नमो सूत्र जिनका कत्लेआम हुआ था, और मंडल जब 3 साल में भाग आए जी, जान बचाने वहां के पहले दलित जी नेता, मंत्री और लॉ मिनिस्टर, तो उन दलितों को बंगाल में, बिहार में, यहाँ उत्तर प्रदेश में बताया गया, आज भी पीलीभीत में 1 लाख दलित बंगाली हैं, जरा उनकी व्यथा सोच लें, तो जिन्ना के बारे में बताएंगे, जिन्ना को जैसे क्या हुआ, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, और वो जिन्ना जो देश के बंटवारे के जिम्मेदार था, वो जिन्ना जिसने आजादी के 1 बरस पहले 16 अगस्त 1946 को फ्राइडे का दिन था, नमाज का दिन था, जुमा का दिन था, जिसने कॉल किया था डायरेक्ट एक्शन, बिल्कुल, और उस एक्शन में हजारों हिंदू मारे गए थे, केवल कलकत्ता में 10,000 हिंदू मारे गए थे, और अखिलेश को बोलिए जरा गूगल करें वल्चर साफ कलकत्ता, कलकत्ता के गिट आप, तो आज भी जो लंदन के अखबारों में छपे थे, लाशें पड़ी हैं, बिल्कुल ये कौए खा रहे हैं, बिल्कुल। ब्रजलाल जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अंशु अवस्थी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि जिन्ना ने देश को आजादी दिलाई, आजादी के लिए संघर्ष किया, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना की जो विचारधारा थी वो एक ही थी, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है, क्या कहेंगे? देखिए अब इस बारे में तो बहुत सारी, सब कुछ आप भी समझ रहे हैं और पूरा देश समझ रहा है, तो अब ये अखिलेश यादव जी को आप इसी से समझ सकते हैं कि उनकी बौद्धिक क्षमता, उनका जो अनुभव है वो क्या है। तो देश की आजादी के बारे में हम तो यही कहेंगे कि अखिलेश यादव जी को आजादी का पूरा इतिहास पढ़ना चाहिए। जिन्ना और आरएसएस दो ऐसे लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने, फूट डालो राज्य करो, जो अंग्रेजों की नीति थी उसको मजबूत करने का काम कर रहे थे, और वो शायद इसी तरीके से जैसे भाजपा और समाजवादी पार्टी और ओवैसी जिस तरीके के काम करते, समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा दंगे हुए, तो भाजपा सपा के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल है कि सपा की सरकार थी, उनकी पुलिस थी, और उनके रहते हुए आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने उत्तर प्रदेश में दंगे फैलाए। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि कांग्रेस, देखिए आप बनने आप, के आप यहां पर जब डिबेट हो, जब किसी विषय पर बात हो तब आप बात करिएगा, आप दूसरे पर आरोप तब तय करिएगा। जिस सवाल को हमने आपसे पूछा है, जो आज वक्तव्य अखिलेश यादव ने दिया, आप उस पर अपनी बात रखिए, यहां पर आप भाषण देने लगे ये गलत बात है। जो अब बोला गया, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, आप उस पर अपनी बात रखिए। नहीं, हमको किस पर बात रखनी, किस पर नहीं रखनी है, हाँ, कि मुझे न्यूज नेशन से पूछने और प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? देखिए प्रमाण पत्र आपको अंशु जी आपसे जो सवाल पूछा गया है,
नहीं नहीं, आप अपने मन से कुछ नहीं, आपसे जो सवाल पूछा गया आप उसका जवाब दीजिए, आप उसका जवाब दीजिए। आपके सवाल में जवाब क्या होगा? जवाब हमारा सवाल आप, हाँ बिल्कुल जवाब आपका होगा, जवाब आपका होगा। लेने की नहीं नहीं, जवाब आप अपना दीजिए, जवाब आप अपना दीजिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल ध्यान रखिए, मैं बिल्कुल ध्यान, हम तय करेंगे, जवाब आप तय करिए, लेकिन सवाल जो पूछा गया उसी का जवाब देंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हम जवाब देंगे, हाँ हाँ बिल्कुल, आप दीजिए बिल्कुल, आप बोलिए, हम तय करेंगे, आप बोलिए बोलिए, आप बोलिए, सवाल तय करेंगे। नहीं नहीं, मैंने सवाल पूछा है, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। न्यूज नेशन को इसका ध्यान रखना चाहिए सर, अपनी लिमिट भी। मैं बड़ी विनम्रता से, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव के बारे में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। ब्रजलाल जी, मैं आपके पास आऊंगा, सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यहाँ पर जिन्ना की तुलना बाकी नेताओं के साथ की, उन्होंने आजादी की बात की है और कहा है कि आजादी में उनका योगदान रहा है, कैसे? आजादी में योगदान उनका कतई नहीं था, उसका प्रमाण है कि वो मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए ये इतना उतावला था कि उसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन दे करके और हिंदुओं का कत्लेआम कराया, हजारों लोग मारे गए। और इसके अलावा 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ था जी, उसमें जिन्ना के बहकावे में देश के 90% मुसलमानों ने जी मुस्लिम लीग यानी पाकिस्तान बनाने के पक्ष में वोट दिया था जी, तो उसका जिम्मेदार जिन्ना था। बिल्कुल।